लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम शुमाइला। अलीशा। नाम बेटा? अलीमत। नाम बताएं। अली अहमद। क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ। जबरदस्त। सवाल करें आप। सॉन्ग मुझे तो सुनाने दो। पहले तो सवाल करूँगी। चलें, जो तो जीतो। चलो सवाल आपसे ये है कि हम सारे अपने तमाम काम अपने हाथों से करते हैं, एक जानवर है वो अपने काम अपने नाक से करता है। हाथी। अरे वाह, हाथी बोला से तालियां बजाएं। चल क्या सोचा। बल्ले 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 बेटोर पंजा बन दी, बल्ले बल्ले बेटोर पंजा बन दी, जुत्ती खल दी मड़ोड़ा नहीं हो चल दी, टोर पंजा बन दी, बल्ले बल्ले। बेबी बेबी इस पापा ईटिंग शुगर नो पापा, पहले अड़ाई नो पापा ओपनिया माउथ हा हा हा। जबरदस्त। लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। डे फ्रेश की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। बहुत भारी है, भारी है, भारी है। जी बड़ा मजा आया। और इसका जो आगे वाला सेंटेंस है ना, वो बल्ले बल्ले नियो तेरे की लग दे, बड़ा हसनी है नैन मिला के। आई लव दैट, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चले मूड हो रहा था तो गा ही लेती हूँ, किसी और से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। नाम आपका? नाजिया जी। हमजा जी। मुताहिर जी। क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ, मैट्रिक के पेपर दिए अभी। मैं बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंसेस कर रहा हूँ। हाउसवाइफ? हाउसवाइफ। दोनों आपके बेटे हैं? माशाल्लाह। दोनों में ज़्यादा शरारती कौन है? छोटा। छोटा क्या शरारत करते हो? छोटे खेलता हूँ। क्या खेलते हो? क्रिकेट। तो उसमें क्या है, अच्छी बात है। नहीं वैसे भी हर वक्त इसकी एक सिस्टर है हमारी, स्पेशल चाइल्ड है, उसके साथ इसकी नोक झोंक चलती है। छेड़खानी? हाँ जी। आप नहीं तंग करते? नहीं नहीं, मैं तंग नहीं करता। अरे भाई जी। चले मुझे बताएं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप घर में कितने किलो आलू रखती हैं? 5 किलो। अच्छा, एक मुल्क है अगर उसमें आपने 50 किलो आलू रखे ना तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, वो कौन सा मुल्क है? चाहे आप रेस्टोरेंट के मालिक हो, रेस्टोरेंट हो आपका, 50 किलो आलू नहीं रख सकते। जापान? जापान। चाइना ही होगा। नहीं नहीं, ऐसे तो आलू ऐसे नाम से होता है। ऑस्ट्रेलिया। क्लैपिंग करें इनके लिए। चलिए क्या सुनाएंगे? मैं रेसिपी शेयर करूँगी, अगर छोटे बच्चों के लिए, स्पेशली स्पेशल बच्चे जो होते हैं उनके लिए, अगर आलू और चिकन बॉईल करके इकट्ठा, उसमें सिर्फ नमक और काली मिर्च डाल के हल्का सा उनको अंडा लगा के फ्राई कर दें, बच्चे बहुत खुशी से खाते हैं। मैं सॉन्ग सुनाऊंगा। किस्मत का खेल है सारा, फिरता था मैं आवारा, ये क्या से क्या हो गया, 4 दिन की जिंदगानी, हर पल एक नई कहानी, क्या था मैं क्या हो गया, क्या हुआ जो लारी छूटी, जीवन की बारी झूठी, ख्वाब है तो मुझको ना जगा। अमेजिंग। और आप? मैं मैसेज हूँ, हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी चाहिए, और जो अगर कोई भर रहा है तो उसको भरने देना चाहिए, उसके बारे में बुरी बातें नहीं करनी चाहिए कि ऐसे हो रहे हैं वैसे हो रहे हैं। लाहौर न्यूज की तरफ से आप लोगों के लिए डे फ्रेश की तरफ से भी आप लोगों के लिए थैंक यू। बहुत ही क्यूट फैमिली है, और ऐसा ही होता है मोस्टली कि जो छोटे वाला बच्चा होता है ना वो ज्यादा शरारती होता है, वो कहते हैं ना छोटा पीस जो होता है वो हमेशा ज़्यादा तंग करता है। खैर किसी और से बात करते हैं। वालेकुम। नाम? लामिया। माज। लाइबा। रुमाना। क्या करती हैं? मैं पढ़ाती हूँ, ग्रेड 3 6 7। चलिए जी मुझे बताएं, आपसे मेरा सवाल है कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे आप इतवार के दिन पिंक कलर की पेंट नहीं पहन सकते? ऑस्ट्रेलिया।
बिल्कुल सही जवाब दिया, इसके लिए क्लैपिंग करें। बड़ी लाइक हो यार तुम, क्या सुनाओगी सॉन्ग? हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद है मेरा। वाओ, वेरी नाइस। और आप? पोएम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अब द वक्ता वर्से हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। जबरदस्त बॉय। और आप? विलियम शेक्सपियर से ट्राई 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 बट नेवर क्राई। लॉर न्यूज की तरफ से आपके लिए डे फ्रेश की तरफ से भी आपके लिए गिफ्ट। किसी और से बात करते हैं। कारी अब्दुल वाहिद। बेबी का नाम? मोहम्मद नूर सुल्तान। अरे वाह माशाल्लाह, इतना छोटा सा इतना बड़ा नाम। चले जी मुझे बताएं, सवाल है आपसे मेरा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है रकबे के लिहाज से? दूसरा, पहला नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क दूसरा के लिहाज से? अमेरिका। कराची। हाँ, इंडिया। दादी नहीं पूछा, रकबा पूछा। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी। कोई बात नहीं, क्या सुनाएंगे? बिरयानी की रेसिपी बताएं। सबसे पहले चावल को बॉईल करें, उसके अंदर जीरा और काली मिर्च डालें, नमक डालें, उसके बाद जैसे सालन तैयार करते हैं मुर्गी का, कोरमे का, वो तैयार करें, उसके बाद तेल लगाकर उसकी उसके अंदर लींबू डालें, धनिया डालें, पुदीना डालें और आपकी मज़ेदार दम पे लगाएं और रेसिपी तैयार। कैसा बनाते हैं खाना? बहुत टेस्टी, ज़बरदस्त, यम्मी। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गए। फ्रेश की तरफ से भी आपके लिए जी बहुत अच्छी इन्होंने रेसिपी बताई है, पर कोशिश करें यार आपको यूनिक करें, ये बिरयानी, ये कढ़ाइयाँ, यही खा रहे हैं बचपन से सारे। टेल मी समथिंग न्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नाम आपका? सना। क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ। हाउसवाइफ में थोड़ी सी आगे हो जाए, शुक्रिया। हाँ चले, मुझे बताएं, मेरा आपसे एक सवाल है, गौर से सुनिएगा सवाल। एक आदमी ने दरिया पे चल रहा है और उसने सर पे एक घास की गठरी उठाई हुई है, उसकी गठरी खुल गई है, अब वो ऐसा क्या करे कि एक तिनका जाया ना हो? दरिया पे कैसे चल रहा है? अरे मतलब तैर के जा रहा है, जैसे भी जा रहा है, दफा करो, चाले दो उसको। तो उसको क्या करना है? उसको कुछ नहीं करना, उसकी गठरी खुल गई है, अब क्या करे कि एक भी तिनका जाया ना हो घास का? उसको दोबारा से बांध ले, कैच करे, उसको कवर करे। बेटा जी दरिया था ना बहाव, अब क्या करे कि एक तिनका जाया ना हो? आई डोंट नो, अब क्या करना पड़ेगा? तो क्या किया जाए, क्या सुनाएंगे? मैं रेसिपी बता दूँ। कौन सी? कस्टर्ड की। अच्छी बताना। अच्छी सी कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले दूध को बॉयल करें, उसके अलावा हाफ गिलास दूध को ठंडा रखें कच्चे दूध में। जब दूध बॉयल हो जाए तो कस्टर्ड का पैकेट ठंडे दूध में अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब वो मिक्स हो जाए फिर दूध को बॉयल आने पर कस्टर्ड उसमें डाल देना है, ठंडे दूध वाला कस्टर्ड उसमें डाल देना है। फिर उसको अच्छी तरह मिक्स करके और उसमें शुगर डाल के तो उसको कस्टर्ड तैयार, डिश आउट कर दें। पक्का? जी। ठंडा करना है? हाँ जी ऑफ कोर्स, ठंडा करना है। लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गया। लाहौर न्यूज लाहौरियां दी जाने। डे फ्रेश की तरफ से भी आपके लिए, इसी में कस्टर्ड बना। लाहौर न्यूज लाहौरियां दी जाने। थैंक यू जी। कस्टर्ड की रेसिपी जानी, थोड़ी सी मेहनत होती है, आप इसी कस्टर्ड में थोड़ी जैली, थोड़े नट्स और थोड़ा फ्रूट ऐड कर लें, थोड़ी क्रीम डाल लें, यम्मी सा बन जाएगा, पूरा ट्राइफल बन जाएगा, सही है ना? किसी और से बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। का नाम? सबा मंजूर। जैनब। स्नैन। कौन सी क्लास? टू। सिक्स। क्या कर रहे हैं? हाउस वाइफ। चलिए सवाल किया जाए। मुझे बताएं, जेवर में एक चीज़ है जो औरतें खाती भी हैं, वो कौन सी चीज़ है? जेवर में शर्मा के रही तो मैं ज्वेलरी नहीं पहनती इसलिए। तो शर्माने वाली क्या बात है, नहीं पहनती। शौक था आपके शो में आने का, शौक पूरा हो गया। अच्छा, आपके शो के बहुत बड़े फैन हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू बेटा। क्या सुनाएंगे सॉन्ग? कच्ची डोरियो 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 में मेरे नाल फासले, पक्की यारियों 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 में
ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਫਾਸਲੇ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਰੇ ਵਾਹ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਕਿੱਧਰ ਸੇ ਆਪਕੇ ਲਈ ਗਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਨੇ ਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਜੋ ਗਿਫਟ ਪਕੜਾ ਹੈ ਡੇ ਫ੍ਰੈਸ਼ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਵੀ ਆਪਕੇ ਲਈ ਗਿਫਟ ਯੇ ਲੋ ਯੇ ਵੀ ਲੈ ਲੋ ਅਰੇ ਲੜੋ ਮਤ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਚੁਟਕੀਆਂ ਬਜਾ ਰਹੀ ਥੀ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਮੇ ਗਾਣਾ ਰੋਣੇ ਵਾਲਾ ਥਾ ਆਈ ਮੀਨ ਕਿ ਸਲੋ ਪਿੱਛੇ ਭੰਗੜਾ ਲਗਾ ਹੈ ਲੋਰ ਵਿੱਚ ਲੋਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲੋਰ ਮਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰ ਮਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲੋਰ ਮਿਊਜ਼ ਗਿਫਟ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲੋਰ ਮਿਊਜ਼ ਗਿਫਟ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇੰਤਹਾਈ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹਮੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਔਰ ਸਟਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਤਨਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸਟਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੂੰ ਇਵੈਂਟ ਮੇਂ ਇਤਨਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਸਟਿਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਵੋ ਭੂਜੋ ਤੋਂ ਜੀਤਾ ਕਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਮਗਰ ਵਕਤ ਕੀ ਕਮੀ ਔਰ ਹਮੇ ਲੈਣੀ ਪੜੇਗੀ ਆਪ ਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਆਪ ਲੋਕੋ ਐਸੇ ਕਹੂੰ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਮਗਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗਾਇਸ ਮੁਝੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਇਤਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਔਰ ਕੇਅਰ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਔਰ ਇਸ ਜੋ ਯੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲ ਟਾਊਨ ਮੇਂ ਹੁਆ ਹੈ ਯੇ ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਹੈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਔਰ ਇਨਕਾ ਨਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਔਰ ਆਪ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯਹਾਂ ਪੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਗਾਰਡਸ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਯੇ ਜੋ ਆਪ ਸੈਲਫੀਓਂ ਕੇ ਲੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਕੇ ਲੀਏ ਗਾਰਡ ਹੈ ਵਰਨਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਇਸਾਨੀ ਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੀ ਆ ਸਕਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਯਹਾਂ ਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੋ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਗਾ ਆਪਕੇ ਜੋ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਵੋ ਯੇ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਪ ਕਿਸ ਸਵਾਰੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੋ ਸਫ਼ਰ ਜੋ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਵੋ ਸਵਾਰੀ ਹੀ ਜਿਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵੋ ਹੈ ਲਿਫਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਡੇਲੀ ਲਿਫਟ ਮੇਂ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਤੋ ਯੇ ਹੈ ਉਸ ਸਵਾਲ ਕਾ ਜਵਾਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਹਮਨੇ ਜੋ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਲਿਫਟਸ ਹੈ ਤੋ ਲੋਕ ਲਿਫਟ ਪੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਆਪਕਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਕੌਨ ਸੇ ਜ਼ੇਵਰ ਮੇਂ ਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤੇ ਖਾਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਹੈ ਗੋਲਡ ਗੋਲਡ ਆਪ ਖਾ ਵੀ ਸਕਤੇ ਹੈ ਯੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜ਼ੇਵਰ ਚਬਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਬਟ ਔਨ ਸਵੀਟਸ ਪੇ ਆਪ ਗੋਲਡ ਪੇਪਰ ਲਗਾਤੇ ਹੈ ਅਬ ਤੋ ਫੈਸ਼ਲ ਵੀ ਗੋਲਡ ਕੇ ਹੀ ਹੋਤੇ ਹੈ ਸੈਕਟਰਾ ਤੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਬੂਝੋ ਤੋ ਜੀਤੋ ਜੁਮੇਰਾਤ ਜੁਮਾ ਹਫਤਾ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਦੇਖੇ ਜੋ ਅਗਲੀ ਸੁਬਹ 5 ਔਰ 11 ਵਜੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋਗਾ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁਲੇ ਮੁਝੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਪਿਆਰ ਕਰਤੇ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਏ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋ ਤੋ ਮੇਰੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਆਈ ਐਮ ਅਲੀਨਾ ਹਾਰੂਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇ ਪੂਛ ਸਕਤੇ ਹੈ ਬੂਝੋ ਤੋ ਜੀਤੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਪੇ ਪੂਛ ਸਕਤੇ ਹੈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇ ਪੂਛ ਸਕਤੇ ਹੈ ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਕਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇ ਉਸ ਪੇ ਪੂਛ ਸਕਤੇ ਹੈ ਤੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਤੇ ਰਹੇ ਹਮਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਤੇ ਰਹੇ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।